तो फ्रेंड्स, कृषि के क्षेत्र में कृषि विकास शिल्प केंद्र की तरफ से आपको यहाँ पे ब्लॉक जिला वाइज भर्ती को लेकर यहाँ पे न्यूज नोटिस आ गई है, जिसका आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू है। तो इसके लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अपने क्षेत्र में नौकरी का पिटारा खुला, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पद जो कि जैसे कि जिला इंचार्ज, ब्लॉक ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, लेखापाल, क्लर्क, सुपरवाइजर, ड्राइवर, चपरासी और भी विभिन्न सारे पद है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वही क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 8वीं से लेकर यहाँ पे 10वीं, 12वीं या फिर ग्रेजुएट है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे भरना है, किस वेबसाइट से भरना है और इसका आपको बताएंगे कि इसमें जो हो गया कौन कौन सा पद है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी जानकारी पहले देख लेते हैं। तो भैया, ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये रहा पेपर का जो नोटिस जो कि प्रकाशित किया गया वो पहले दिखाता है, उसके बाद आपको जो हो गया जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि 25 मार्च 2021 के ये पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान पेपर का है, और यहाँ पे नीचे में आते हैं तो इसको भर्ती को लेकर यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया गया है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा गया है कि तापसील, जटिल और यहाँ पे आदिवासी, प्रतान, सैनिक, कृषि विकास शिल्प यहाँ पे केंद्र बताया गया है, और यहाँ पे इसके वेबसाइट वगैरह यहाँ पे सारी ईमेल वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जो कि वेबसाइट भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वैकेंसी का डिटेल जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे नाम बताया गया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एज, और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कितना पद वो बताया गया है, और यहाँ पे सैलरी वगैरह यहाँ पे बताया गया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रथम नंबर पर जो हो गया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन जो गया ग्रेजुएट है, वही एज की बात करते हैं तो 18 से 37 ईयर आपको होना चाहिए। वो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 13 पोस्ट है। वही यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हो कि यहाँ बताया गया 68,000, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे देख सकते हो पे यहाँ पे बताया गया है, और जो हो गया रिस्ट्रक्शन जो होता है, छूट जो होता है, वो यहाँ पे देख सकते हो कि ST/OBC रूल के अनुसार जो होता है यहाँ पे वो दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे नाम पर जो कि यहाँ पे बताया गया पद की बात करते हैं तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का है, जो कि इसका भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, और एज की बात करते हो तो 18 से 37, और पोस्ट यहाँ पे 13 है, सैलरी यहाँ पे देख सकते हो कि 63,000 है। वही आप बात करते हैं तीसरे नंबर पर पोस्ट की तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफिसर का है, इसका भी क्वालिफिकेशन ये ग्रेजुएट है, 18 से 37 आपको उम्र होना चाहिए, 62 पद है टोटल, और यहाँ 40,000 यहाँ पे बताया गया है पे। और सीट ऑफिसर का चौथे नंबर पर है, जो कि इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। पाँचवें नंबर पर जो हो गया है फिशरी ऑफिसर का, इसमें भी ग्रेजुएट है। और छठे नंबर पर फील्ड ऑफिसर का है, जो क्षेत्र का जो होता है उसका भी इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि इसमें 18 से 37 आपको ईयर जो कि आपको एज होना चाहिए, 62 सीट इसमें भी है, 43,000 इसमें पे है। और अकाउंटेंट का सातवां नंबर पर है, यानी कि कहे तो लेखापाल, तो इसका बीकॉम एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इसमें भी एज 18 से 37 होना चाहिए, इसका पद जो हो गया 17 है और 38,000 इसमें बताया गया है पे। और कलर की बात करते हैं तो HS एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 18 से 37, इसमें 62 सीट है, और सैलरी वगैरह यहाँ पर बताया गया है। असिस्टेंट कलर का भी यहाँ पे जो बताया गया है 10th पास, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। दसवें नंबर पर यहाँ पे बताया गया है फील्ड ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लंबा चौड़ा ऐसा क्वालिफिकेशन है, जो कि HS SPLI और यहाँ पे नॉलेज इन जो एग्रीकल्चर यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बताऊंगा, पेपर कटिंग आपको कहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे 11वें नंबर पर जो गया फील्ड सपोर्ट के लिए, इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए, और जो हो गया 12वें नंबर पर जो गया मोटिवेटर का है, वही 13 नंबर पर जो हो गया इलेक्ट्रिशियन का जो है, इसमें भी आपको 10th पास होना चाहिए, वही 5 ईयर जो हो गया यहाँ पे वर्किंग जो हो गया आपको होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में। और यहाँ पे 14 नंबर पर जो हो गया ऑफिसर असिस्टेंट के, इसमें ग्रेजुएट एंड कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, वैलिड पूरे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको होना चाहिए। और यहाँ पे 6 नंबर पर जो हो गया ऑफिसर प्यून का जो हो गया, इसमें ऑफिस प्यून का जो चपरासी होता है उसके भी यहाँ पे 10th पास है इसका जो हो गया क्वालिफिकेशन। और नाइट गार्ड का जो होता है उसका भी यहाँ पे 8वीं पास है। स्वीपर के भी यहाँ पे जो हो गया 8वीं पास है, और यहाँ पे टोल फ्री नंबर वहाँ पे देख सकते हो दिया गया है। तो फ्रेंड सॉरी से यहाँ से मैं ये नंबर नहीं है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे जूम आउट करते तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये दूसरा चीज़ के में यहाँ पढ़ा गया है जो गया
कलार्थ पत्र का है। इसके नीचे जो हो गया यहाँ पे ये है, इसके वाला है, इस वैकेंसी के रिलेटेड जो है जो विज्ञापन जारी किया गया है ये है। पूरे यहाँ पे एड्रेस वगैरह, यहाँ पे पिन नंबर वगैरह सब दिया गया है। वेबसाइट वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, टोटल यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन का यहाँ पे डेट नहीं बताया गया, तो ये वाला जो पढ़ाया गया है ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये आपको ये रहा नोटिफिकेशन। तो चलिए आप वेबसाइट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा वेबसाइट जो कि उसमें जो कटिंग में दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। अब जो मैं आपको कटिंग जो पेपर का न्यूज जो दिखाया था वो यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा बिहार वाले सेक्शन पर, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करके पेपर कटिंग देख सकते हो। और ये रहा झारखंड में भी आया है, तो वो भी यहाँ पे आप जो लोग भी झारखंड से डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं इस फॉर्म फॉर्मेट का, यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जो कि यहाँ पे बिहार झारखंड दोनों ही यहाँ पे राज्य के लिए दिया गया है। और यहाँ पे बिहार वाले पर क्लिक करते हैं तो किस तरह का यहाँ पे जो हो गया आपको नया विंडोज ओपन होगा जो कि फॉर्म भरने के लिए इसमें देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो फ्रेंड्स ये रहा वेबसाइट जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि उसके लेकर यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे बताया गया कि कौन सा पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर नेम बताना है कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे गार्जियन नेम जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करना है कुछ इस तरह का, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो लोग यहाँ पे भर सकते हैं। आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिलअप करना है, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी सब। और नीचे में आते थे इसको पोस्ट के लेकर यहाँ पे पूरे वही बात दिया गया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाँ आप सभी को बता दो कि ये कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है तहसील, यहाँ पे जाति आदिवासी प्रस्थान सैनिक कृषि विकास शिल्पा केंद्र, तो बिहार झारखंड के लिए वैकेंसी आई है। तो जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हो उसको आप अपने स्तर से जाँच परख कर पूरे यहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा क्या क्वालिफिकेशन वगैरह लगता है। अब उसके बाद ही इस फॉर्म को जो लोग भरना चाहते हैं वो भरिएगा, या फिर आप नहीं भरिएगा। तो मेरा काम था आपको न्यूज़ देना जो कि पेपर के कटिंग के बारे में आपको दिखाया, जो कि वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, उस वेबसाइट पे विजिट किया तो कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है। तो पूरे फॉर्म मैं आपको फिलअप करके नहीं दिखा सकता है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद शायद जो गया इसमें यहाँ पे जो गया फोटो वगैरह आपको इसमें अपलोड करने के बाद शायद नेक्स्ट पेज आया ना आया, हमें पता नहीं है कि अब फी वगैरह कितना लग रहा है उस हमें पता नहीं है। अब बात करते हैं इसका सैलरी, यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत यहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स यही था न्यूज और नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे मैं जॉब से रिलेटेड पर्पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।